फ्रेंड, मैं नाम अतुल। आप देखें आर्किटेक्चर लाइव। तो आज हम पढ़ेंगे सॉलिड यानी प्रिज्म का शैडो पढ़ेंगे। तो हम लोग जो ये प्रिज्म है ये तो ये एक तरह से सॉलिड भी है और हम लोग प्रिज्म भी कह सकते हैं। तो इसके हम लोग शैडो पढ़ेंगे। तो शैडो हम लोग को ये इसके जो है HP और VP पे दोनों पे पड़ेगा। तो इस पे आपको डिस्टेंस मैनेज करने के लिए सीखना होगा। तो सबसे पहले आप एक्सिस लिए हैं, वहाँ से आप इसका डिस्टेंस नाप लीजिए। ये देखिए 10 सेंटीमीटर है और यहाँ 4 सेंटीमीटर के ऊपर हमने बनाया है। एक्सिस के ऊपर 4 सेंटीमीटर के ऊपर हमने लिया है और इसका हम लोग लिए हैं प्लान। जो टॉप व्यू से देखें तो इसकी प्लान हम लोग 6 सेंटीमीटर पे बन रहा है। ओके, तो हम लोग क्या इस शेडो बनाने के लिए एग्जैक्ट, तो ये जो 4 सेंटीमीटर है आपको 4 सेंटीमीटर से एवव, यानी 5 सेंटीमीटर होगा तो 5 सेंटीमीटर से आप प्लान बना सकते हैं, लेकिन 4 सेंटीमीटर से आप एवव लीजिए तो आपका जो शेडो है वो बहुत अच्छा से बनेगा। और इसका और 10 सेंटीमीटर से आपका ज़्यादा प्लान नहीं जाना चाहिए। तो आपका जो है अगर 10 सेंटीमीटर के ज़्यादा प्लान हो जाएगा तो आपका जो प्लान है वो साइड बन जाएगा और शेडो भी अच्छा से नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको जितने हैं वन तो हमने नेमिंग कर दिया, आपको नेमिंग तो हम लोग ने नीचे सारा जो 1 2 3 4 था हमने उसको ऊपर एक्सिस पर टच करा दिया। तो आपको पता रहना चाहिए कि जो 1 2 3 4 है आपका HP बनेगा और जो ABCD है आपका VP बनेगा। तो वो कैसे बनेगा, तो जैसे कि आप लोग जो कोई भी ऑब्जेक्ट को आप अगर से देख रहे हैं तो इसकी जो इमेज है आधी इसकी जो इरेजर के ये जो है नीचे आपका HP बनेगा और ये आपका है जो VP पे बनेगा। आप कुछ भी कीजिए, जैसे इसको हाफ किए तो ये वाला तो हम लोग का ऑब्जेक्ट इसी पे बनने वाला है। इतना हाफ कीजिएगा तब पर भी यही अब जो ऑब्जेक्ट बनेगा, जो ये बाकी का ही है तो नीचे ही बनेगा। ठीक, तो 1 और 2 को हम लोग नीचे लाते हैं, ऊपर जो एलिवेशन में 1 और 2 है उसको नीचे लाते हैं। उसी तरह हम लोग 3 और 4 को नीचे लाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 1 और 2 जो आया 1 और 2 को नीचे ले जाएंगे। जैसे कि ये 1 का लाइन है और 2 का लाइन है तो इस पे जाके कहीं मीट करेगा तो आप यहाँ से एक लाइन खींच सकते हैं लाइट। ठीक, और यहाँ से आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बनेगी एग्जैक्ट वही स्क्वायर बनेगा एक। ओके, एक स्क्वायर हम लोग का ये बन गया। अब हम लोग को ऊपर बनाना है ABCD। तो हम लोग ये कौन सा बन गया, 1 2 3 और 4 हम लोग का ये बन गया। अब हम लोग को यहाँ बनाना होगा ABCD का स्क्वायर। ओके, हम लोग का ए है ये पॉइंट, तो ए कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा बी। थोड़ा सा स्क्वायर हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ से हम लोग का जो है बी, तो यहाँ पर बी आएगा और यहाँ पे हम लोग का सी आएगा और डी हम लोग का यहाँ आएगा। हम लोग इसको क्या करते हैं, पॉइंट को जो मिला लेते हैं, यहाँ से यहाँ पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ओके फ्रेंड, ये पॉइंट हम लोग को मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे हम लोग ड्रॉप कर देंगे। तो ये हम लोग का डायरेक्ट है जो नीचे जाएगा, ओके। वैसे ही हम लोग इसको क्या करेंगे, 45 डिग्री पे हो रहा है तो इसे हम होने देंगे। तो हम लोग कुछ इस तरह से हो बन जाता है शैडो। तो आपको इसमें ध्यान देना होगा इसमें डार्क कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम ऊपर नेमिंग कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ए हो जाएगा ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे कुछ भी, बी सी और डी। तो आप यहाँ दिखा देख सकते हैं ए से जो जा रहा है हम लोग का पॉइंट, यहाँ से जो ए है पॉइंट, ये जो ए की लाइनिंग है ये 1 से मिल रहा है। तो आप यहाँ ए से यहाँ गया, जो 1 की लाइनिंग यहाँ पे थी तो वो ए से 1 तक यहाँ गया, ये लाइन सेम मिल रही है। जैसे कि अब यहाँ ए बी
ए बी 4 मिलेगा। उसी तरह यहाँ से डी सी 3 इस तरह होगा, जैसे डी और सी, डी सी है फिर 3 और 4। तो हम लोग ये इतनी हो गया, तो हम लोग को क्या करना है, इसमें आउटर लाइन है जो डार्क करनी है। तो आउटर लाइनिंग, आउट लाइन कौन सा, तो इतना हम लोग का जो आउटलाइन डार्क हो गया। तो हम लोग शैडो प्रेस करेंगे, हैचिंग इसको कर देते हैं ये। तो हम लोग का जो शैडो ये बन चुका है, तो कुछ इस तरह से बनेगा HP और VP पे। तो मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ। नाउ फ्रेंड, हम एग्जांपल इस पेंसिल का लेते हैं। तो इसका आप देखिए शेडो है जो किस तरह से बनता है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे HP और ये हो जाएगा VP। ओके, तो मैं देखिए इसको मैं थोड़ा सा आगे कर दूँ, क्या होगा। हम लोग यहाँ से लाइन, यहाँ से 45 डिग्री से हम लोग को लाइट पर भी है, तो यहाँ पे हम लोग को ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अभी हम लोग कहाँ बन रहा है, HP बन रहा है। ओके, 45 डिग्री पे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, ये हम लोग का जो 45 डिग्री पे इसका रेप कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये HP पे है, तो लाइनिंग आप देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे VP के करीब ले जाऊँगा, तो आप देख सकते हैं शैडो किस तरह से पड़ रहा है। आपको सिर्फ आउटर लाइन जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन पेंसिल का देखिए, आप पेंसिल में बहुत सारे देख सकते हैं कि रेक्टेंगल बने हुए, लेकिन आपको आउटर लाइन सिर्फ दिखाई दे रहा होगा और आपका सिर्फ उसी का शेडो बन रहा है। मैं कुछ और का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। नाउ फ्रेंड, तो ये हम लोग का ये पेंसिल बॉक्स है, तो इसका हम दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप शेडो है, तो आप देख सकते हैं इसमें कितने साइड, यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है और आपको ये साइड दिखाई दे रहा है, आपको ये वाला साइड दिखाई दे रहा है और ये साइड दिखाई दे रहा है। तो आपको देखिए इसमें शेडो सिर्फ आउटर लाइन का ही बनेगा। देखें आपको आउटर लाइन, ये इस तरह से शेडो इसलिए बन रहा है क्योंकि हम लोग को जो इन्फिनिटी से नहीं आ रहा है, हम लोग की जो लाइट है हम लोग को बहुत नज़दीक में, बस इतनी सी नज़दीक में हम लोग की लाइट है, इसी के लिए शेडो कुछ इस तरह से घूम के बन रहा है। अगर आप इन्फिनिटी से आता तो आपका जैसे इस तरह से शेडो बनी है, इस तरह से जो शेडो बना है ऐसे करके आपका शेडो इस तरह से बनेगा। ओके फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। अगर आपको पसंद, आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं बॉक्स में। तो वीडियो देखने के लिए आप धन्यवाद। नाउ फ्रेंड, हम एग्जांपल इस पेंसिल का लेते हैं। तो इसका आप देखिए शैडो है जो किस तरह से बनता है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे HP और ये हो जाएगा VP। ओके, तो मैं देखिए इसको मैं थोड़ा सा आगे कर दूँ, क्या होगा। हम लोग यहाँ से लाइन, यहाँ से 45 डिग्री से हम लोग को लाइट कर दिए, तो यहाँ पर हम लोग को ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अभी हम लोग को कहाँ बन रहा है, HP बन रहा है। ओके, 45 डिग्री पे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, ये हम लोग का जो 45 डिग्री पे इसका रेप कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये HP पे है, तो लाइनिंग आप देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे VP के करीब ले जाऊँगा, तो आप देख सकते हैं शैडो किस तरह से पड़ रहा है। आपको सिर्फ आउटर लाइन जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन पेंसिल का देखिए, आप पेंसिल में बहुत सारे देख सकते हैं कि रेक्टेंगल बने हुए, लेकिन आपको आउटर लाइन सिर्फ दिखाई दे रहा होगा और आपका सिर्फ उसी का शैडो बन रहा है। मैं कुछ और का एग्जांपल ले लेता हूँ। नाउ फ्रेंड, तो ये हम लोग का ये पेंसिल बॉक्स है, तो इसका हम दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप शैडो है, तो आप देख सकते हैं इसमें कितने साइड, यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है और आपको ये साइड दिखाई दे रहा है, आपको ये वाला साइड दिखाई दे रहा है और ये साइड दिखाई दे रहा है। तो आपको देखिए इसमें शैडो सिर्फ आउटर लाइन का ही बनेगा।
देखें आप पोर्टल लाइन ये इस तरह से शेडो इसलिए बन रहा है क्योंकि हम लोग को जो इन्फिनिटी से नहीं आ रहा, हम लोग की जो लाइट है हम लोग को बहुत नज़दीक में, बस इतनी सी नज़दीक में हम लोग की लाइट है, इसी के लिए शेडो कुछ इस तरह से घूम के बन रहा है। अगर आप इन्फिनिटी से आता तो आपका जैसे इस तरह से शेडो बनी, इस तरह से जो शेडो बना है करके आपका शेडो इस तरह से बनेगा। ओके फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। अगर आपको पसंद, आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।